छुईखदान नगर पंचायत में गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की उम्मीदवार पार्थिका महोबिया ने 4 वोट से जीत हासिल की। 15 वार्ड वाले नगर पंचायत छुईखदान में भाजपा को 5 मतों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। एक दिन पहले कांग्रेस ने गंडई नगर पंचायत में जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि छुईखदान नगर पंचायत में भाजपा की सत्ता थी। कांग्रेस भाजपा के पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर अध्यक्ष दीपाली जैन को हटा दिया था। खैरागढ़ उपचुनाव हुआ अभी कुछ दिन पहले, 43 से लेकर 45 डिग्री तापमान था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने लगभग 75 से 76 सभाएं छोटी बड़ी करी और बिना रुके, बिना थके और बिना कई बार बिना भोजन किए उन्होंने निरंतर काम किया। भूपेश बघेल जी ने भी लगभग 14 से 15 सभाएं करी और विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपना 100% देने का प्रयास किया, जिसका परिणाम था खैरागढ़ उपचुनाव हम जीते, उसके बाद गंडई नगर पंचायत जीते, उसके बाद हम आज छुईखदान की विजय हासिल करी। और तो ये विजय का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी उम्मीद है, अपेक्षा है, विश्वास है कि आने वाले 2023 का भी जो विधानसभा चुनाव है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और संगठन में हर विचार के लोग, हर सोच के लोग और हर प्रकार के लोग शामिल रहते हैं। कई बार वो जो है कई बार गलत प्रक्रिया भी अपनाते हैं, जिससे कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मतभेद होता है, परंतु अंततः जो राष्ट्रीय संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इन सबके प्रयासों से एक बेहतर विकल्प चुन के प्रदेश में आएगा। वो एक युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला कांग्रेस अध्यक्ष हो या प्रदेश के महासचिव हो या अन्य पदाधिकारी हो, और सब मिलके कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के निर्देश पर, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, टीएस सिंहदेव जी के द्वारा बनाया गया और उसको अमली जामा पहनाने का जो 3.5 वर्षों में काम हुआ वो एक अपने आप में अनुकरणीय है। उसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, जिनके नेतृत्व में पिछले लगभग 3 वर्षों में कांग्रेस पार्टी एक भी न नगर निगम चुनाव हारी है, न नगर पंचायत चुनाव हारी है, न किसी निकाय का चुनाव हारी है, और ये अभेद्य और एक ऐतिहासिक विजय का सिलसिला को जारी रखते हुए मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में कल गंडई जो है नगर पंचायत का चुनाव में हम लोगों ने बहुमत हासिल किया। 11 और 4 के अंतर से हमने वहाँ पर अपना अध्यक्ष नियुक्त किया और उसके बाद आज छुईखदान में भी हम 9 और 5 के अंतर से अपनी सरकार, अपना अध्यक्ष बनाने में सफल हुए और एक मत जो है उसका निरंक होता हुआ खाली था, यानी कि नोटा की तरह। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस पार्टी का जो काम और जो संगठन और जो सरकार का जो सामंजस्य, ये इस जीत का मूल सूत्रधार है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी की जो कार्यशैली है, एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़े से बड़ी जवाबदारी देकर उसकी परीक्षा भी लेते हैं और उस परीक्षा में सफल होने के बाद, उस परिणाम पाने के बाद उनकी पीठ भी थपथपाते हैं। और इस जीत के लिए मैं संगठन के मुखिया मोहन मरकाम जी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ।